नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरदोई जिले में प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले रुक नहीं रहे। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पुराना ये हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति तिरक कार्यक्रम में लाइसेंसी बंदूक से भीड़भाड़ के बीच हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी बंदूक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करने शुरू कर दी है। मुरादाबाद में लगातार अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में है। जहां जहां से अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, वहां प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर निरीक्षण कराया जा रहा है। अगर निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण पाया या देखा जा रहा है तो उसे चिन्हित कर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के मियाँ कॉलोनी मीनाठेर के पास अवैध कब्जा करने वाले लोगों के मकान को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मियाँ कॉलोनी में मीनाठेर क्षेत्र में सदर तहसील एवं नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निरीक्षण किया और ऐसे अवैध निर्माणों को नोटिस दिया है जो कि पूरी तरह से अवैध है और हटाने की बात कही गई है। हरदोई के अरवल थाना इलाके में कुएं की सफाई के लिए कुएं में उतरा एक किसान कुआं धंसने से मलबे में फंस गया। लगातार 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद किसान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व सांसद और उनके दामाद को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। पूर्व सांसद रिजवान को ललितपुर और दामाद रमीज नेमत को आगरा जेल भेजा गया है। जेलर बी के मिश्र ने बताया कि यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर की गई है। सहारनपुर में महिला अस्पताल परिसर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन समुदाय की सहभागिता के बिना इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि परिवार नियोजन में पुरुषों को भी आगे आना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित रैली का शुभारंभ नगर विधायक राजीव गुंबर ने हरी झंडी दिखाकर किया है। इस दौरान कई गणमान्य लोग समेत जिला अस्पताल के अधिकारी मौजूद रहे। अब कांवड़ मेले में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, मगर लक्सर में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। लक्सर में बैंकों में जाने वाले लोग बैंकों के बाहरी सड़क पर अपने वाहनों को खड़े कर रहे हैं, जो अतिक्रमण का रूप ले रहा है। ना जाने कब यहां कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बैंकों के बाहर सड़क पर ही वाहनों का स्टैंड लगा है, जो लगातार हादसों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं इस मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि इस प्रकार की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। एक दो बैंकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको निर्देश किया गया है कि जो लोग बैंक में उनके पास आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। यदि उसके बाद भी कहीं यातायात में कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश किया जाएगा। गौवस्त्र द्वादशी के शुभ मुहूर्त में देवी धुरा पर्व शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना हवन आदि कर अनुष्ठान कर नंदी महाराज जी को मंदिर के द्वार पर हर्षोल्लास के साथ प्रतिस्थापित किया गया। महामृत्युंजय महादेव मंदिर में सबसे पहले मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद मंदिर के रावलों और पुजारियों ने भगवान आशुतोष महामृत्युंजय की विधि विधान से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद नंदी महाराज की पूजा अर्चना कर स्नान कराया गया, जिसके बाद उनको मंदिर के सामने आसन पर विराजमान किया गया है। आज यहाँ पर नंदी भगवान का जो सती जी द्वारा चुपतावन द्वारा दिया गया उसका यहाँ पर स्थापना हुई और सभी 33 गांव से सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं विशेषकर सती जी का एक हमारे आचार्य हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा देखिए आप, श्रद्धा का कोई नहीं। उन्होंने बड़ी कई दिनों से फ़ोन आया उनकी, बुटरा जी मैंने नंदी चढ़ा नंदी, लेकिन मैंने उनसे कहा आप जब चढ़ाए चढ़ाए, लेकिन देखो उनकी श्रद्धा। उन्होंने दिल्ली से बोला मैं अपना भेज, और दिल्ली से भेज के परसुरात स्वयं अपना उतार के यहाँ पर नंदी बैल भेजा। और मैंने सभी लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हमारे आचार्य लोगों को मैंने बोला कब निकालेंगे, तो हमारे आचार्य मोहन प्रसाद जी ने बोला कि 11 तारीख का दिन निकलेगा। बोले शिव शंकर महादेव महादेव की, मृत्युंजय महादेव की। सज्जनों बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वप्रथम जो है अग्याल जो है हम लोगों के द्वारा 33 गाँव के द्वारा आज जो है आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में चढ़ाया जा रहा है भोग प्रसाद। उसके साथ साथ माननीय चोपता के निवासी दिनेश चंद्र जी सती जी के द्वारा
नंदी वृषभ का भी जो है यहाँ पर दान हुआ है, वो भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। उसके साथ साथ ये पूजा हमारी जो है ग्रीष्म ऋतु की चल रही है, प्रथम आषाढ़ श्रावण में 2 महीने लगातार यहाँ से पूजन होता है। महादेव के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लग गया और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आषाढ़ के महीने में द्वादशी को यहाँ नंदी वैल चोपड़ा के दिनेश सती जी के द्वारा चढ़ाया गया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको भी भगवान हमेशा राजी खुशी रखे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।